हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एतराम जी। तो आज आपका ये टेस्ट है और हिंदी ग्रामर का ये टेस्ट होगा आपका, जिसमें हम 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये 40 क्वेश्चन है वो हिंदी ग्रामर से संबंधित आपके क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगभग सभी टॉपिक्स ही है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, संधि विच्छेद, समास, काल, लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और भी बहुत सारे टॉपिक हो गए। इनसे संबंधित क्या आपके दो दो तीन तीन क्वेश्चन उठाकर लगभग 13 टॉपिक आपके जो चैप्टर है हिंदी ग्रामर के, उनसे संबंधित आप एक क्वेश्चन है, तो इनको आपको अच्छी तरह से लगाना है। अगर आप राजस्थान में या फिर ऑल इंडिया लेवल पर किसी भी तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर बात करें राजस्थान में तो अभी LDC का एग्जाम होगा, आगे राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी का भी होगा, राजस्थान पुलिस SI का भी होगा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का होगा, और भी बहुत सारे एग्जाम होंगे जिनमें क्या है हिंदी का सिलेबस आपका के लगभग सेम ही है। अगर आप ये क्लास ज्वाइन करते तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, आपको बताएं निम्न में से किस शब्द में दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि बताना आपको कौन से शब्द में है। चार ऑप्शन आपको दिए, वैसे जवाब बताइए कौन सा आएगा चार ऑप्शन में से, तो कौन सा आ जाएगा इसमें दीर्घ संधि बताना आपको। तो चार ऑप्शन में से अगर बात करें तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए श्रद्धांजलि। इन श्रद्धांजलि में क्या है दीर्घ संधि है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। फिर आपको दीर्घ संधि का उदाहरण बताना है, बताइए क्या आएगा, तो इसमें क्या आएगा आपका सही जवाब, इसमें आ जाएगा अधीन, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। आज मैं आपको डिस्क्राइब करके नहीं बताऊंगा, आपको क्या सीधे ही आंसर करना है। नेक्स्ट क्या आपका सुक्ति शब्द में कौन सी संधि, बताइए सुक्ति शब्द में संधि बताना आपको कौन सी है, तो सुक्ति में कौन सी है दीर्घ, ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें भी आपका डी। नेक्स्ट क्या आपका अंत्य प्लस अक्षरी शब्दों की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा, बताइए अंत्य प्लस अक्षरी शब्दों की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा, आपको ये बताना है चार ऑप्शन में से क्या आएगा, तो क्या आएगा इसमें अंत्याक्षरी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अगर आपने किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर, द्वारका प्लस अधि शब्दों की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा, ये आपको बताना है, द्वारका प्लस अधि कौन सा शब्द बनेगा, तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी द्वारकाधीश आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या आपका निम्न में से कौन सा उदाहरण कर्मधारय समास करता है, निम्न में से कौन सा उदाहरण कर्मधारय समास का, चार ऑप्शन में से आपको ये बताना है क्या आएगा इसमें, तो कर्मधारय समास का दही बड़ा आ गया, स्त्री रतन आ गया, मुनिवर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका लाल मिर्च में कौन सा समास है, बताइए लाल मिर्च में समास बताना आपको कौन सा आएगा, तो इसमें आएगा आपका सही जवाब वो आ जाएगा कर्मधारय आ जाएगा इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या आपका कौन सा उदाहरण कर्मधारय समास का नहीं है, बताइए कौन सा उदाहरण कर्मधारय समास का नहीं है, आपको अबकी बार ये बताना है क्या आएगा चार ऑप्शन में से, तो इसमें आएगा आपका शरणागत ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या आपका निम्न में से कौन सा उदाहरण रूपक कर्मधारय समास का, बताइए निम्न में से कौन सा उदाहरण रूपक कर्मधारय समास का, आपको ये बताना है चार ऑप्शन में से, तो इसमें आ जाएगा वचनामृत आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर, राजश्री सामासिक पद का विग्रह बताना आपको, राजश्री सामासिक पद का विग्रह बताइए चार ऑप्शन में से क्या आएगा, तो इसमें आएगा जो राजा भी है और ऋषि भी है वो होता है राजश्री आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या आपका निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य बताना आपको चार ऑप्शन में से क्या आएगा, कौन सा आएगा इसमें, हिंदी और राजस्थानी मेरी भाषाएं हैं, ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें शुद्ध आपसे पूछा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या आपका निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अब की बार आपको अशुद्ध बताना है चार ऑप्शन में से, कौन सा अशुद्ध है चार ऑप्शन में से क्या आएगा इसमें, तो इसमें आएगा वृक्षों पर तोता बोल रहा है, वृक्षों पर तोता बोल रहा है ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें सी। नेक्स्ट क्या आपका निम्न में से शुद्ध वाक्य बताना आपको, फिर से शुद्ध वाक्य बताना है जो वृक्षों पर तोते बोल रहे हैं आएगा, ना कि तोता बोल रहा आएगा, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा शुद्ध वाक्य पूछा, तो इसमें आएगा भारत में अनेक जातियों व संप्रदायों के लोग रहते हैं, ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें डी। नेक्स्ट क्या आपका निम्न में से कौन सा
तालवीय वर्ण नहीं है, बताइए निम्न में से कौन तालवीय वर्ण नहीं है। चार ऑप्शन में से आपको ये बताना क्या आएगा इसमें, तो इसमें आएगा आपका सी ग आ जाएगा। ग ये कौन सा है, ये कंठे है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्या आपका, आपकी बार आपको बताना कि निम्न में से किस वर्ग का उच्चारण स्थान है वो मुर्दा है, बताइए यानी मुर्दा से कौन से शब्द का उच्चारण किया जाता है चार ऑप्शन में से, तो इसमें आ जाएगा री, री ऋषि आ जाएगा, जिसमें जीव और तालु से टच होती है उसको क्या बोलते हैं, मुर्दा उच्चारण स्थान बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें, डी। नेक्स्ट क्या आपका दंते वर्ण कौन सा है, बताइए दंते वर्ण, तो दंते वर्ण कौन सा है इसमें, क्ष। ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें, ये आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर, छोटे से बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं, इस वाक्य में कौन सा काल है, बताइए। अब की बार आपका काल से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए छोटे से छोटे बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं, इसमें आपको काल बताना है क्या आएगा चार ऑप्शन में से, तो इसमें आ जाएगा वर्तमान काल आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या आपका हेतु मद मद भूतकाल का उपयुक्त उदाहरण है, बताइए हेतु हेतु मद भूतकाल का उपयुक्त उदाहरण बताना आपको कौन सा चार ऑप्शन में से क्या आएगा इसमें, तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो आ जाएगा यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में अनेक वंशज न होते, ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें, बी। नेक्स्ट क्या आपका बालक की भाववाचक संज्ञा बताना आपको, बालक की भाववाचक संज्ञा बताइए क्या आएगा इसमें, बालक की भाववाचक संज्ञा क्या आएगा इसमें, तो बालक तब आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या आपका इसमें से भाववाचक संज्ञा है, बताइए इसमें से भाववाचक संज्ञा बताना है कौन सा है चार ऑप्शन में से, तो इसमें आएगा आपका बचपन ऑप्शन नंबर सी आएगा आपकी बार बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका निम्न में से किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, जल्दी जल्दी दो वाक्य देख लीजिए और इसमें देखिए कि कौन से वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग नहीं हुआ है, फिर बाकी दो और बताते हैं आपको, बाकी और दो ये है तुम दिल्ली से कब आए, आप बहुत अच्छी बहुत अच्छा गाती है, ये चार ऑप्शन आपके पास, तो इसमें आपका आएगा सही जो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें, सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया था, ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें, बी। नेक्स्ट क्या आपका निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ, आपको ये बताना है चार ऑप्शन में से, तो इसमें आएगा तुम अपनी पुस्तक पढ़ो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका निम्न में से किस सर्वनाम से नाम धातु क्रिया निर्मित की जा सकती है, बताइए निम्न में से किस सर्वनाम शब्द से नाम धातु क्रिया निर्मित की जा सकती है, आपको ये बताना है क्या आएगा इसमें, तो इसमें आ जाएगा अपना आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या आपका निम्न में से कौन सा विशेषण अव्यय शब्द से निर्मित है, बताइए ऐसा कौन सा विशेषण है जो अव्यय शब्द से निर्मित है, चार ऑप्शन में से आपको ये बताना है क्या आएगा इसमें, तो इसमें आ जाएगा भारी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका समावेश शब्द का विलोम क्या, बताइए समावेश शब्द का विलोम बताना आपको क्या आ जाएगा इसमें, तो इसमें आ जाएगा निष्कासन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या आपका अघ यानी पाप का विलोम बताना आपको क्या आ जाएगा, अघ जिसका अर्थ पाप होता है इसका आपको विलोम बताना है क्या आएगा, तो इसमें आएगा आपका अनघ आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या आपका राम के घर अतिथि आए थे, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी आपको बताना कि अतिथि के नीचे अंडरलाइन दे रखा है इसका कौन सा शब्द है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए क्या आएगा इसमें, तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है आगंतुक होता है, मेहमान होता है, अतिथि होता है, अभ्यागत होता है, लेकिन अजगम नहीं होता, ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें, डी आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका शिक्षक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए शिक्षक का पर्यायवाची शब्द नहीं है चार ऑप्शन में से क्या आएगा, तो शिक्षक का उपाध्याय होता है, गुरु होता है, अध्यापक होता है, अनुपम आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या आपका उत्थान का पर्यायवाची शब्द बताना आपको, उत्थान का पर्यायवाची शब्द बताइए कौन सा आएगा, तो उत्थान का क्या आ जाएगा इसमें, उत्थान का आ जाएगा आरओ आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है, बताइए लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ बताना आपको क्या आएगा चार ऑप्शन में से,
लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ बताना आपको क्या आएगा। तो लोकोक्ति आया लोक की उक्ति, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब आएगा इसमें। नेक्स्ट क्या आपका, खोदा पहाड़ निकली चुहिया लोकोक्ति का अर्थ बताना आपको। खोदा पहाड़ निकली चुहिया लोकोक्ति का अर्थ बताना आपको क्या आएगा इसमें। तो बिल्कुल आसान है, अधिक परिश्रम करने पर बी क्या है, अल्पलाभ की प्राप्ति होना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या आपका, बढ़ चढ़कर बातें करना भावार्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा बताना आपको, यानी बढ़ चढ़कर बातें करना कौन से मुहावरे का अर्थ है ये आपको ये बताना है, या फिर इसके लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है वो आपको बताना है क्या आएगा इसमें। तो इसमें आ जाएगा गाल बजाना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या आपका, साफ साफ बना करना भावार्थ के लिए मुहावरा बताना है, यानी आपको बताना है कि साफ साफ बना करना कौन से मुहावरे का अर्थ है ये चारों ऑप्शन में से। नीचे आपको चार मुहावरे दे रखे हैं, कौन सा आएगा इसमें। तो इसमें आएगा टका सा जवाब देना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए, क्या आएगा इसमें। तो इसमें आएगा परिणति आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें, बी आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा चार ऑप्शन में से बताइए। तो इसमें पुनरुत्थान होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करना आपको, फिर से बताइए क्या आएगा इसमें, तो कौन सा आ जाएगा इसमें। इसमें आ जाएगा बुद्धिमत्ता आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या आपका, जो हथियार हाथ से फेंककर चलाया जाए क्या कहलाता है, जो हथियार हाथ से फेंककर चलाया जाए क्या कहलाता है बताइए। तो इसमें आएगा अस्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या आपका, योग्यता अनुसार किसी पद के लिए कथन द्वारा प्रस्तुत होना कहलाता है बताइए। योग्यता अनुसार किसी पद के लिए कथन द्वारा प्रस्तुत होना क्या कहलाता है, चार ऑप्शन में से आपको यह बताना है क्या आएगा इसमें। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आवेदन। नेक्स्ट क्या आपका, दू विसर्ग प्लस में सादे शब्दों की संधि करने पर कौन सा उपयुक्त शब्द बनेगा बताइए। दू विसर्ग प्लस में सादे शब्दों की संधि करने पर कौन सा उपयुक्त शब्द बनेगा आपको यह बताना है। तो इसमें आ जाएगा दुस्साध्य आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, मनोन अनुकूल शब्द में कौन सी संधि बताइए। मनोनुकूल शब्द में कौन सी संधि आपको यह बताना है, चार ऑप्शन में से क्या आएगा। तो इसमें आ जाएगा विसर्ग संधि है। तो ये तो था आपका आज का हिंदी व्याकरण का एक ऑनलाइन प्रैक्टिस है, जिसमें मैंने किया 40 क्वेश्चन किए हैं। अब आपको यह बताना है कि इन 40 में से आपके कितने नंबर आए। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में उधर बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी या फिर क्लास डाले जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए, और आप जल्द से जल्द क्या क्लास है वो ज्वाइन कर सको। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।